हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आज के टाइम पे महिलाएं इतना स्मार्ट हो गई है कि वो फ्री नहीं बैठना चाहती हैं, सब किसी ना किसी काम पे बिजी हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप रेगुलर 2 से 3 घंटे अपने दे के फ्री टाइम पे कुछ घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे से काम करते हो तो 20 से 25 हज़ार महीने आराम से कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सबसे ऊपर एक लिंक दी हुई है, वहाँ लिंक से जाके आपको मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और मेरे मोबाइल में पहले से मीशो ऐप है तो आपको इसमें अकाउंट बना के साइन अप करना होगा। तो इसमें बहुत सारे आइटम होंगे, उन आइटम में से आपको जो पसंद है वो सिलेक्ट करके आप अपने ग्रुप में व्हाट्सअप फेसबुक में शेयर कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं। मीशो ऐप में जो आपका एक फिक्स प्राइस होगा उसमें आप अपना कमीशन ऐड करिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कंपनी प्रोडक्ट को दिए हुए एड्रेस तक खुद भेजिएगा और आपका जो मार्जिन होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आप मेरे दिए हुए लिंक से अगर डाउनलोड करती हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे अच्छा खासा 30% का ऑफ भी मिलेगा। और आज मैं जो ये घर आप लोगों को दिखाने आई हूँ, मैं खुद भी देखने आई हूँ, अयान के पापा देख गए थे। इसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, पहले वाले से कई गुना बेहतर है। तो ये बाहर का हॉल है, टीवी का शोकेस है और सामने ये वाला शोकेस है और उसके बाद हॉल में ही यहाँ पे टॉयलेट है। ये वेस्टर्न वाली टॉयलेट है, इसमें कुछ इस तरीके से हॉल बहुत ही खूबसूरत है सामने से देखने में। और उसके जस्ट यहाँ पे एक कमरा है और इस रूम में भी इस रूम के दो तरफ से खिड़कियाँ हैं और सामने से कवर्ड है और इसके बाद ही इसमें दूसरी साइड से बालकनी है। इस कवर्ड में लॉक वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। इस पूरे फ्लैट का व्यू बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे इस तरीके से बालकनी है यहाँ पे, और तीन तीन बालकनी है यहाँ पे, सिर्फ एक बालकनी नहीं है। पहली बालकनी ये है कुछ इस तरीके से और तीनों बालकनियों का बहुत ही सुंदर व्यू है। तो यहाँ का व्यू इस तरीके से इस वाली बालकनी का, फिर इससे मैं बाहर आऊँगी इस कमरे से। तो ये कमरा यहाँ से एंड है तो मैं वहाँ बाहर हॉल में आ जाऊँगी। हॉल के बाद मैं यहाँ से जब मुड़ूँगी तो ये दूसरा कमरा मिलेगा और दूसरे कमरे के बाहर ही सिंक लगा हुआ है इधर पे। और इस कमरे में भी सेम उसी तरीके से है, इस तरीके से एक तरफ कवर लगी है। एक कवर आप देख सकते हो एकदम न्यू है और इधर का जो पेंट है घर का वो भी एकदम न्यू है। मतलब यहाँ पे अभी ओनर ने नया नया सारा काम कराया है। और इस रूम में ये अटैच वेस्टर्न ही टॉयलेट है और इस रूम के बाहर भी कुछ इस तरीके से बालकनी है और ये बालकनी भी काफ़ी बड़ी है। इस तरीके से यहाँ पे व्यू आता है, ये भी खुला खुला है, मतलब कबर्ड ही है बालकनी के सामने। और उसके बाद जब मैं रूम से बाहर निकलूँगी तो ये डाइनिंग रूम है सामने, ये भी काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं। और डाइनिंग रूम में यहाँ पर मंदिर के लिए बनाया गया है, उसके जस्ट बगल में खिड़की है और खिड़की के बगल से ही फिर एक गेट है जो कि यहाँ से भी एक बालकनी मिलेगी। तो इस तरीके से इस घर में तीन बालकनियाँ मिल गई, यानी कि घर में पूरे चारों तरफ से हवा आएगी। और इस बालकनी के सामने भी कितना सुंदर व्यू है आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ही ये देखिए किचन है और किचन के सामने ये देखिए गोला सा, मतलब मंदिर जैसा एंटर करने के लिए डाइनिंग रूम से जुड़ा हुआ किचन है। और किचन में भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है और एकदम नए नए कवर्ड हैं, मतलब बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ से किचन का। तो ये घर वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, इसमें कहीं से भी मतलब बहुत एकदम नया नया बनवाया है। तो बस यहाँ से हम लोग घर ही देख के आ रहे थे, ये घर मुझे सच में बहुत प्यारा लगा है। 100 में से 1 ऐसा घर है जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे। एक दो जो कमी है वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो बस यहाँ से जाने के बाद हम लोग देखने के बाद मार्केट गए, यहाँ पे होलसेल की दुकान है जहाँ से कि अयान के लिए मैंने कुछ कपड़े खरीदे छोटे मोटे, सॉक्स टोपी वगैरह। और उसके बाद मैं गई साउथ इंडियन मॉल, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, मुझे बताया सबने। और यहाँ से मैंने वास्तव में काफ़ी कुछ खरीदा। ये देखिए जब वीवीओ को लोग मार्केटिंग कराते हैं तो चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, ये वेट कर रहे हैं, मैंने चुपके से इनका कैप्चर किया है, घर जाके देखेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आज मैं बाजार से क्या क्या खरीद लाई हूँ। ये तो सबसे पहले मैं लाई हूँ, ये दिखाती हूँ, 2 कुर्तियां। एक कुर्ती है ये प्योर कॉटन की है और दूसरी वाली भी येलो कलर की है। 2 कुर्तियां लाई हूँ मैं और क्योंकि इन दोनों का प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, अयान के पापा को भी बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने ये दोनों ही येलो येलो ले लिए हैं। तो और इनका जो प्राइस है वो ज्यादा महंगी नहीं है, मतलब 400 में दोनों है। अगर एक खरीदती तो मैं एक 300 की आ रही थी और दोनों खरीदने में ये 400 की पड़ी है मैंने। तो ये साउथ इंडियन मॉल से ही खरीदा है, मैं पहली बार गई थी वहां शॉपिंग करने। और उसके बाद ये लाई हूं मैं 4 लेगियां, ये भी मैंने वहीं से खरीदी है, ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की
और ये लाइट कलर की और ब्लू कलर की, तो ये किसी भी सूट या कुर्ती वगैरह में मैच करने के लिए। तो इनका लेकिन जो नॉर्मल बाहर मिलती है उनसे कपड़ा अच्छा है, लेगियों का काफी अच्छा कपड़ा है। तो ये मुझे मिली है 500 में 4 लेगी। यानी आप लोग जो मुझसे कहते रहते हैं दी साड़ी बहुत अच्छी लगती है आपके ऊपर, दी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो 2 साड़ियां लाई हूं मैं और इस बार एकदम डिफरेंट साड़ियां लाई हूं मैं। इस तरीके से देखिए, इसमें ये तो बॉर्डर है इसका, ये बॉर्डर है, चौड़ा बॉर्डर है, और इस तरीके से ये पूरी साड़ी है। ये हाँ, ये साड़ी है इस तरीके से पूरी, खोल के ही दिखा देती हूँ। और जितनी भी कुर्ती लेगी है वो कुर्ती लेगी मैं नंदनी के लिए लेके आई हूँ, मतलब डेली रोज़ रेगुलर पहनने के लिए। और जो साड़ियाँ हैं वो साड़ियाँ मैं अपने लिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे साड़ियाँ भी पहननी चाहिए, आप लोग बोलते भी हो। तो इनके कलर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये भी एकदम डिफरेंट है और यूनिक है, दोनों नंदनी को बहुत पसंद आई होगी। मौसी साड़ी बहुत अच्छी लाई हो क्योंकि मेरे पास ऐसे कलर थे भी नहीं, एकदम मेरे लिए तो यूनिक कलर है ये। और एक में ये बॉर्डर है इसमें भी, और इसका कलर देखिए एकदम अलग है, कितना खिल के कलर आ रहा है ना। तो ये 2 साड़ियां खरीदी है मैंने 700 में ही, दोनों है मतलब बराबर बराबर रेट की है। मैं ये खरीदी है टॉबल पिंक कलर की और एक ऑरेंज कलर की, 2 टॉबल है, तो समझ में आ गया होगा कौन सी लेडीज की है कौन सी जेंट्स की है, मतलब लड़की की। तो ये वाली नंदनी की है पिंक वाली, और ये वाली अयान के पापा की है, 2 टॉवल है। और उसके बाद हमारे गोलू मोलू के, हमारे लोग गोलू मोलू लड्डू गोपाल के येलो येलो कपड़े लड्डू गोपाल के, तो ये इस तरीके से इसकी ड्रेस है पूरी सर्दी वाली, उसकी ये पजामा है और ये इसकी ऊपर की है, तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जो कपड़े आते हैं ना उसका है ये। और मेन चीज ये है कि यहाँ सर्दी तो पड़ती नहीं है, थोड़ी बहुत सर्दी पड़ती है, लेकिन मैं इसलिए ले आई हूँ क्योंकि ये रात में बिल्कुल भी नहीं उड़ता है, इसको जरा से भी उड़ा दो तो रोने लगता है। और ये 3 लोवर ले आई हूँ इसको, इस तरीके से फुल फुल लोवर टाइप में है फुल इस तरीके से, क्योंकि सर्दियों के टाइम है तो बार बार उनके पजामे गंदे होते हैं, गीले होते रहते हैं। हाँ, और ये वाला मुझे 300 रुपए में मिला है, ये स्वेटर का प्राइस नहीं बताया। और ये जो इसकी पजामिया है लोवर, तो ये 50-50 रुपए में मिले हैं। और उसके बाद ये जो टॉवल है ये मुझे 200-200 रुपए में मिली है, यानी 400 रुपए की दोनों है। ये टोपी है, ये भी अयान की है। और इसके बाद इसके 2 जोड़ी सॉक्स हैं, एक जोड़ी बाहर पड़े हैं वो लेके घूम रहा था। ये है इसकी सैंडल, आप लोग कह रहे थे ना छोटी छोटी सी सैंडल ले आओ इसके लिए, इसके पैरों का साइज सही रहेगा। तो ये देखिए ऐसे चलती हुई है, तो आज मैं यह ध्यान करके गई थी कि इसकी सैंडल भी लाना है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी। और मार्केट जाने से पहले हम लोग वो घर देखने गए थे, और सच में आज जो मैं घर देख के आई ना, इस घर में मुझे कुछ भी कमी नजर नहीं आई, एकदम परफेक्ट लगा मुझे घर, वो बालकनी को छोड़ के। बाकी तो वो बहुत बड़ा कोई मुझे इसमें नहीं लग रहा था क्योंकि घर के सामने वो बहुत छोटी सी चीज थी। और बहुत किचन का व्यू तो देखो एकदम राउंड मंदिर की तरह, डाइनिंग रूम से तुरंत पहले, और रूम इतने क्लीन क्लीन, एकदम बहुत अच्छा स्पेस, एकदम शुद्ध, मतलब खुली हवा, 3-3 बालकनी। और जो पहले वाला हम फ्लैट देख के आए थे जो मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया आपको, तो वो वाला भी काफी अच्छा था। आप लोग पूछ रहे थे कब शिफ्ट कर रहे हो कब शिफ्ट कर रहे हो, तो मैंने उसका जवाब इसलिए नहीं दिया आप लोगों को क्योंकि वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, स्पेस बहुत अच्छा था, बालकनी व्यू धूप सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी कि वो 5th फ्लोर पे था, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। मैंने यहाँ की गर्मी झेली है मई जून की, अब कोई इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, भले ही वो हमें एसी दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कोई कर पाएगा कि ये सारा दिन एसी चला सके, रात में भी चला सके, इतना बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है एसी में। तो मैंने कहा फ्लैट तो और मिलेंगे हमें इतने रेंट में, कुछ कमी हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सबसे ऊपर वाले फ्लोर का नहीं लेंगे, वो सही नहीं है हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ऑफिस से जाके उधर आसपास पता किया बाकी लोगों से, तो वहां पे पानी की भी कुछ कमी थी, और जहां पे मैं अभी रहती हूँ यहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाइजेग में कहीं कहीं पानी की कमी है। तो ये 2 कमियां मुझे नजर आई, तो फिर उस वजह से मैंने कहा छोड़ो हटाओ। फिर उस दिन से ये 15 दिन हो गए, मतलब जितने दिन हो गए वो वाला फ्लैट देखे हुए, डेली सुबह 6 बजे अपने आप उठ जाते हैं, और कभी कभी खुद किसी को नहीं जगाते हैं, कभी कभी अपने आप उठ के चले जाते हैं नहा, मतलब ऐसे ही, और 8, 8:30, 9 बजे आते हैं और तुरंत नहा धो के ऑफिस निकल जाते हैं। डेली फ्लैट सर्च कर रहे हैं, एक एक कोना वाइजेक का, एक एक गली में जाते हैं कि कहाँ टूलेट का बोर्ड लगा है, वहां जा जाके पूछ रहे हैं कि मतलब फ्लैट मिल जाए हमें ठीक ठाक,
क्योंकि बार बार तो शिफ्ट होता नहीं है, हर चीज देखनी है बच्चे के लिए भी। और ये वाला फ्लैट जो मेरे को बहुत पसंद आया, आज मैंने दिखाया आपको, तो फाइनली ये मेरे पूरी तरीके से मन भर गया कि इसको नहीं छोड़ना है कुछ भी हो जाए। तो इसमें क्या हुआ कि ओनर ने फोन नहीं उठाया, जैसे हम बिल्डिंग से बाहर आए फोन लगाए, मैंने कहा रास्ते में वही बात कर लेना जब मैं कुछ सामान खरीदूं, तो वो कह रहे नहीं नहीं मैं यही बात करके जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये वहां पे बात करने में लग गए, मतलब फोन लगाया तो फोन उठाया नहीं उन्होंने, विजी जा रहा। फिर ये बाजार में मैं जाके अपना सामान देख रही दुकान वगैरह पे, तो इनका दिमाग वहां पे नहीं था, कहीं सामान में नहीं था, और इन्हें फिर उनको फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाया, तो इन्होंने कहा कि हमें फ्लैट आपका बहुत पसंद आ गया है, थोड़ा सा बालकनी का इशू है, अगर आप देखें तो उसको मतलब ब्लॉक करा दें, एक बालकनी ब्लॉक करा दें। तो पता नहीं उस टाइम उन्हें क्या हुआ, वो बोलती हैं मतलब नेवी में है वो साइड लेडी ओनर जिनका वो फ्लैट है, तो वो सीधे सीधे ये बोलती हैं कि अब हमारा देने का मन नहीं है और हमारा रहने का मूड है, हम हमारी फैमिली खुद रहेगी, अब हम इसे रेंट पे नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा फिर आपने टूलेट का बोर्ड क्यों लगाया, तो कह रहे बस पहले सोचा था लेकिन अब मन नहीं है देने का, कोई और काम करते ना रोज 3-3 घंटे जाके तो बहुत काम कर लेते। और फिर ये बोल भी रहे थे कि कैसी किस्मत है हमारी कि फ्लैट नहीं मिल रहा है, इतना परेशानी, क्योंकि अब मुझे बहुत अर्जेंट हो गया है फ्लैट चेंज करना। आज कह रहे थे कि मैं 10 किलोमीटर दूर जाऊंगा, आउटर में तो मिलेगा कहीं मुझे अच्छा फ्लैट, तो मैंने कहा इतने दूर भी नहीं लेना है कि ऑफिस पहुंचने आने में भी बहुत टाइम लगे। वे अभी भी ढूंढने में लगे हुए हैं और रोज अभी भी जा रहे हैं, और संडे सैटरडे को तो सुबह भी जाते हैं शाम को भी जाते हैं देखने, वैसे तो रोज सुबह सुबह जा ही रहे हैं उठ के। और हमारी प्यारी इसी फैमिली में से कुछ लोगों के बर्थडे हैं, तो चलिए विश करते हैं। तो सुमन चौहान जी का बर्थडे है आज, तो मतलब कल बर्थडे है, कल वीडियो आएगा तो मैं आज ही बोलूंगी। तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सपना जी के हस्बैंड का नाम है कौशल जी, तो कौशल जी का भी बर्थडे है, तो आपको भी बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नसरीन जी के बेटे का नाम है मोहम्मद कैफ, इनका बर्थडे है, आपको बेटा मोहम्मद जी बहुत सारी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हेलो सपना जी, हेलो अनु जी, हेलो स्वाती जी, हेलो नेहा जी, हेलो रूपाली जी, हेलो भीमराज जी, हेलो शिवानी जी, तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।